तो कैसे हैं कुमारी जी, बाकी रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं ओनियन का सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसमें लगभग 500 ग्राम के लगभग मैंने ओनियन लिए हैं। दही 2 चम्मच के लगभग, गरम मसाला है, नमक है छोटी चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच, सब्जी मसाला 1 से 1.5 चम्मच के लगभग है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के लगभग है, सौंफ 1 चम्मच के लगभग है, जीरा 1 चम्मच के लगभग है, 1 से 1.5 चम्मच है, आधा जीरा मैं डालूँगी। मसाले में कलौंजी है, लाल मिर्च आपको अधिक लग रहा होगा सूप, लेकिन मैं इसमें से कुछ टमाटर का प्यूरे में डालूंगी, 1 टमाटर लगेंगे जो आप देख सकते हैं, लहसुन है 5 से 10 कलियाँ, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, तेज़पत्ता 2 चम्मच के लगभग मैंने बेसन लिए हैं। अब मैं टमाटर को कट करके ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड करने के बाद मैं मिलती हूँ। सकते हैं मैंने टमाटर लहसुन अदरक और लाल मिर्च को ग्राइंडर जार में डाल लिए हैं, 1/2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें जीरा डाले हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। काली मिर्च मैंने पहले ही डाल दी है, इसमें 2 स्पून के लगभग मैं पानी डालूँगी, देख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल दें क्योंकि टमाटर में तो पानी होता ही है, इसलिए मैंने 1 ही स्पून के लगभग, देख सकते हैं मैंने गैस ऑन कर दिए हैं और उसमें पैन गरम हो चुके हैं कढ़ाई। अब मैं इसमें बड़ी वाली स्पून से 1 से 2 स्पून के लगभग मैं पहले प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, इसलिए मैंने तेल अधिक थोड़े से लिए हैं, देख सकते हैं तेल गरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें 500 ग्राम के लगभग ओनियन है, इसको आप इस देखिए मैंने 20 से 4 भाग कर दिए, इससे अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए गर्म हो चुके हैं, मैं इसमें 1 तरफ ट्रांसफ़र करूँगी और इसको धीरे धीरे फ्राई करूँगी। धीमी लो फ्लेम पर ही ये प्रोसेस करें, आप जले नहीं। आप देख सकते हैं इधर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं टमाटर, मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट मैंने बना लिए हैं, देख सकते हैं ये हल्का हल्का सा तेज हो रहा है। मैंने इसमें हल्के से जो मैंने 1 से 1.5 चम्मच से आपको चम्मच नमक दिखाया था उसमें से मैं थोड़े से नमक इसमें ऐड कर लेती हूँ, अच्छे से और इसमें भी लगेंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। ढक भी सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने ओनियन को भून लिए हैं। अब मैं इधर मिर्च डालूंगी, सबसे पहले मिर्च डालें, तेज पत्ता डालें, एक चम्मच के लगभग तेल अभी बचे हैं, मैं इसी में मसाला घी है, जीरा सब रखने लगे तो मैं जाकर के इसी बेसन बेसन का हल्का सा बनेगी, कलौंजी है 1/2 चम्मच से कम है, मैं लास्ट में इसलिए डाले हैं क्योंकि जले नहीं, धीमी ही फ्लेम पे आप एक प्रोसेस करें, बेसन को अच्छे से भूनेंगे, बेसन को भून लें, उसके बाद बेसन अच्छे से भून गया है तो उसमें भी अच्छी आने लगे। अब आप इसमें मसाले जो मैंने टमाटर के प्यूरे बनाए थे उसको आप बराबर चलाते रहें। हल्दी पाउडर है 1/2 चम्मच के लगभग मैंने किए थे, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग, देख सकते हैं। सब्जी मसाला इसमें धनिया पाउडर ऐड रहता है इसलिए मैं अलग से नहीं लिए, नहीं इनको मिक्स करेंगे। 1 गिलास मैंने इधर पानी लिए हैं, देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून जाएंगे और मैं इसमें दही ऐड करेंगे। 2 से 4 मिनट के बाद सब्जी बन जाएगी,
आधी स्पून के लगभग से भुना हुआ जीरा डाल दें तो इसकी फ्लेवर और बढ़ जाती है स्वाद। मैंने डाला है, आप भी डाल लें और मिक्स करें। और मैं इसे दही ऐड कर लूँगी, गरम मसाला मैं लास्ट में डालूँगी। ध्यान रखें दही डालने के बाद में आप मंत्र से चलाएं, अच्छे से मिलाएं, मिक्स करें। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप लोग भी इसे बनाएं, बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। आप इसे पूरी के साथ भटूरे के साथ इतनी अच्छे से इंजॉय करेंगे, एक बार बनाएंगे या चाटते रह जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मसाला पूरी तरह से भून चुके हैं। मैं इसमें एक ग्लास लगभग पानी ऐड करने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। आप ग्रेवी पतला रखना चाहें तो आप एक गिलास और डाल सकते हैं, नहीं तो इसको अच्छे से चला के मिलाएं, गूंथने ना रहे। इसमें आप गरम मसाला ऐड कर लें, एक चम्मच के लगभग मैंने गरम मसाला ऐड किया है। आप इसे तैयार कर लें, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, डालते हैं। देख सकते हैं नमक मैंने ऐड कर लिए हैं। तो मैं इसमें ओनियन जो मैंने फ्राई किए थे उसे मैं इसमें डालूंगी। 5 मिनट के लिए इसमें दिखाती हूँ। देख सकते हैं ओनियन की सब्जी बनकर रेडी है। तो मैं गैस ऑन करूँगी और उसे मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र करके सर्व कर रही हूँ। अभी ये गर्म है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब इसे आप पूरी, पराठे, छोले, ये छोले के स्वाद में बनती है इसलिए मैंने छोले का जिक्र किया है। आप इसे पूरी, पराठे, भटूरे, इन सब के साथ आप इसे पुलाव के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है, प्लीज़ आप लोग बनाएं और खाएं, और कैसा बना मुझसे शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।